गादी श्रीरामपुर में कंबल वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप भाकपा माले ने लगाया है। बताया गया कि गांव में जरूरतमंदों को कंबल न देकर केवल चुनिंदा लोगों को ही कंबल दिया गया है। बताया गया कि जिसकी उम्र न्यूनतम 60 साल या उससे ज्यादा है, कंबल उसी को मिलने चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ साधने के लिए फैक्ट्री के मालिकों के प्रतिनिधियों ने और गांव के प्रतिनिधि ने मनमाने ढंग से कंबल का वितरण किया है। केवल अपने चहेते लोगों को ही इस क्रम में कंबल दिया गया है। भाकपा माले गादी श्रीरामपुर की टीम ने पंचायत के दीवान टोला में निरीक्षण किया तो पाया गया कि कंबल वितरण में मनमानी की गई है। जरूरतमंदों को कंबल नहीं मिला है, केवल कुछ बुजुर्गों को कंबल मिला है। कहा गया कि कंबल वितरण कोई पेंशन योजना की तरह कोई योजना नहीं है, जो केवल उन्हें मिलने चाहिए जिनके न्यूनतम उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो। कुछ विधवाओं को कंबल दिया गया है, लेकिन सभी विधवाओं को नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रतिनिधियों ने अपने वोटरों को फुसलाने का काम किया है। मौके पर भाकपा माले के पंचायत सचिव सनातन साहू, सोनूराम, सुरेश राम, मजबूल मलिक, पिंटू रजवार, अजय रजवार, मनोज माली, राजू दास आदि उपस्थित थे। आज गादी श्रीरामपुर के माले ग्रुप ने गांव का निरीक्षण किया कि जिन व्यक्तियों को कंबल की ज़रूरत है उन्हें मिला या नहीं मिला। जिन्हें नहीं मिला है उनका हम लोग स्टेटमेंट ले रहे हैं, उनको उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जिनको जिन्हें नहीं मिला है और क्या कारण से नहीं मिला है। एक तो फैक्ट्री वाले ने मुखिया जी को चुना है कंबल बांटने के लिए और उन्होंने सारा कंबल दे दिया। अब मुखिया जी ने किन्हें दिया है वो तो फैक्ट्री वालों को मालूम नहीं है और वही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण में जिनको नहीं मिला है उनको हम फैक्ट्री वाले से निवेदन करेंगे, वो आग्रह करेंगे कि उन्हें भी कंबल दिया जाए। धन्यवाद।